क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा, झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।